रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 19 अप्रैल 2021 सोमवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त हो। आज सोमवार का दिन है और आज के दिन भोलेनाथ को सच्चे मन से पुकारने से आपकी मन की मुरादें जरूर पूर्ण होगी, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ जरूर लिख दें। हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिन्हें वीडियो के अंत में बहुत अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। दिन आज सोमवार का है और महीना जो है वो चैत्र का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी नामक तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक अगले दिन की रात्रि के 12:01 तक चलता रहेगा और इसके आगे शुक्ल पक्ष की अष्टमी नामक तिथि जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वशु नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह सुबह के 5:02 से लेकर ठीक अगले दिन के सुबह के 6:53 तक चलता रहेगा। योग की बात करें तो शुभकर्मा नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 8:06 तक चलता रहेगा और इसके आगे धृति नामक योग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 6:06 पर और सूर्यास्त का समय शाम के 6:45 पर, और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 11:06 पर, और चंद्रास्त का जो समय है वो रहने वाला है ठीक रात्रि के 1:07 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्रमा मिथुन राशि इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा, जो कि यह ठीक रात्रि के 12:29 तक चलता रहेगा। आज का शुभ समय तो यह दोपहर 12 बजे से लेकर ठीक दोपहर 12:51 तक चलता रहेगा, अर्थात आज का अशुभ काल यानी राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 7:41 से लेकर ठीक सुबह के 9:16 तक चलता रहेगा। याद रखिएगा मित्रों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ। जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगा जाते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है बल्कि जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म, यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। तकदीर बदल जाती है जब कोई मकसद हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इज्जत देते देते। चलिए अब जानते हैं आज का धनु राशि फल और पूरे दिन की घटनाओं की जानकारी। कैसा रहेगा धनु राशि जातकों के लिए आज का दिन और क्या कहते हैं आज आपके सितारे, तो चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे धनु राशि का दैनिक राशि फल। आप सकारात्मक तरंगों से भरपूर हैं, लेकिन इससे औरों के साथ नौ बांटें, लोग आपकी इस सलाह का सम्मान नहीं करेंगे। रचनात्मक ऊर्जा से भरे होने के बावजूद भी चुपचाप बैठा रहना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन इससे आप परेशान न हो, आपकी पहचान को कोई नुकसान नहीं होगा, केवल इसमें आपकी देरी हो सकती है। ऐसी छड़ी खुशियों के चक्कर में न पड़ें जिससे आपको बाद में काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में अगर बात की जाए तो आज आप विशेष रूप से शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव से कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि आप अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं और कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके शरीर के फिटनेस को लेकर भी थोड़ा गंभीर होने के लिए बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि इस समय आपके गंभीर होने से सफलता की पूरी संभावना है। अगर आपके प्रेम और संबंध की बात की जाए, अपने आप को उदास महसूस न करें, क्योंकि प्रेम की वो मुलाकात उस तरह से नहीं रही जिस तरह से आपने इस बारे में सोचा था। इस रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए, शायद आप अपने साथी के लिए शायद आप अपने साथी के दिल को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आपके साथी का दिल सोने का है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से इस बात को साबित करेंगी। हालांकि दोनों तरफ से एक अंतरंग मुठभेड़ की इच्छाओं को दोनों तरफ से जागृत हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास करना सीखें और भरोसा। करियर और धन के मामले में अगर बात की जाए तो आज आप अपने करियर को नए सिरे से शुरू करेंगे। आप एक नियुक्ता से दूसरे तरफ की अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि ये नया अवसर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकता है। लेकिन धोखाधड़ी के प्रस्तावों से सावधान रहें, क्योंकि कोई आपकी क्षमता और चतुराई का अनुचित लाभ लेने के लिए लंबे समय से प्रयारत में है। दोस्तों, अगर इस जानकारियां से आप सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।